Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching The Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. आप सब गवाह हैं। मुझे सोनाक्षी ने सोनी टीवी पे 2 बार राखी बांधी है। मुझे अभी गुस्सा भी नहीं लगता। फिर चलो हो गया अब जो होना था। हाँ तो। पर मुझे समझ में नहीं आता कि सोनाक्षी किस चीज से इंप्रेस होगी। जो भी मेरा भाई आएगा, भाई नहीं जीजा जी, अभी तो हो गए। क्योंकि मैंने सोनाक्षी को ड्रम बजा के भी दिखाया, गाना भी गाया, शो भी मेरा नंबर 1 चल रहा है। समझ नहीं आया। अच्छा, मैं यहाँ पे बैठे जितने भी हमारे दोस्त हैं, लड़कों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप को क्या लगता है कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई है मेरा दोस्त? अच्छा, कहाँ से हैं आप ब्रदर? हरियाणा से। अच्छा, सच बताऊँ कपिल सर, जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है, समझ ही नहीं आ रहा लड़कियों को क्या पसंद आना चाहिए। जैसे पहले ज़माने में लड़का लड़की को लुक देता है या विलन से बचाता है तो इम्प्रेस हो जाती थी। आज के ज़माने में अगर लड़का लड़की को लुक देता है तो ऐसे इग्नोर करेगी जैसे उसकी कंघी चुरा लियो। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखो। तो अभी मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? है। तो कैसे इम्प्रेस किया था आपने उनको? जैसे पुराने जमाने में फूल देकर इम्प्रेस करते थे, वैसे ही मैंने उसको गुलाब दिया। फिर बोलती है मेरे को चॉकलेट चाहिए, तो ले देते यार। फिर क्या दे दी? तो उसके बाद कहती है ये चाहिए। तो फाइनली मैंने कुछ बड़ा सोचा कि कुछ एक बड़ा सा गुलदस्ता लेके जाता हूँ, स्पेशली लिलीज फ्लावर्स। अच्छा। और सोचा कुछ बड़ा होगा, लेकिन वही रिटर्न में सिर्फ थैंक यू मिला। तो रिटर्न में क्या चाहते हैं आप? गर्लफ्रेंड बन जाए। अच्छा। हाँ, तो एक दिन गलती से उसके नंबर पे 100 रुपये का रिचार्ज हो गया। तो जैसे ही उसके नंबर पे रिचार्ज होता है, तुरंत रिप्लाई आता है आई लव यू। तो उस दिन के बाद से वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। रात भर बातें होती है। फाइनली बता, इसमें झूठ कितना है सच कितना है? तू फेंका जा रहा है तनादन। नो सर। मेरी बात सुन भाई। यस सर। अगर 100 के रिचार्ज में तुमसे इंप्रेस हो गई ना, किसी ने 200 का करा दिया ना कल को। ये क्या? पर चलो कोई बात नहीं, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। 100 रुपये में बट गई। नारी शक्ति जिंदाबाद जी। क्या क्या? अच्छा, फूलों वाली मोहतरमा, तुमने बोला क्या था? मेरे को तो फिर पट गया। मैं क्या बोला? मैंने ये बोला कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे 100 रुपए से लड़की पट गई। अब लड़की ऐसी तो नहीं होगी कि वो 100 रुपए में पट जाएगी। देखो, अगर लड़की को इम्प्रेस करना है ना, लड़की ने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, सोचो मत, बोल दो एकदम सोनाक्षी लग रही हो। अब देखो बंदे ये तो बोल देंगे सोनाक्षी लग रही है। वो लड़की आगे उनको जॉन कैसे बोलेगी? तो ये है। और जैसे कि जॉन सर जैसे जिसकी बॉडी हो, कपिल जैसी स्माइल हो, उनको ट्राई करना नहीं पड़ता है। तो मतलब मैं हाँ समझू? हंसी तो फंसी। क्या समझूं इसे मैं? आप डांस कर लीजिए मेरे साथ। आपने मेरे बारे में रिसर्च नहीं की? मैंने तो अपनी फिल्म खराब कर दी थी डांस के चक्कर में। 2 डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान, वो नहीं करवा पाए। एक कोरियोग्राफर अलग से थे। मुझे डांस नहीं आता दीदी, सॉरी। I want to say something। और फिर पूछता ही मैं, भाई क्यों बना देती हो? आज से मैं ऐलान करता हूँ, ये जगत भैया है, जगत भैया। तो जो कोई अरे बैठा था 1 सेकंड। ये सोनाक्षी के साइड इफेक्ट्स हैं। मेरे मुँह से दीदी निकल गया। मुझे आपका नाम नहीं आपने बताया। दिशा। दिशा, मैं इसी दिशा में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप आई। आप क्या करती हैं दिशा? मैं 1st ईयर की स्टूडेंट हूँ, BMM कर रही हूँ। अच्छा, बैचलर इन मास मीडिया। या। गुड कॉन्फिडेंस। थैंक यू। अच्छा, जैसे दिशा एक बात बताओ, जैसे बैचलर इन मास मीडिया होता है, वैसे मैरिड इन मास मीडिया भी होता है? अरे तुम तो शर्मा गई। क्योंकि मैं शर्मा हूँ ना। That's a good one. दिशा शर्मा। सरनेम भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। वेरी गुड। भाई बहन का भी सरनेम सेम ही तो होता है। दिशा सही बोला दीदी। ये हमारे प्यार में घुसपैठ कर रही है। तुम कैसी बहन हो? एक तो खुद भाई बनाती हो, दूसरों को भाई। मैं मर जाऊं? तुमने दीदी बोला उसको। मैंने प्यार से बोला था दी। दिशा शॉर्ट में बोला दी। दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री आ गया था। तूने दीदी थोड़ा ना बोला, तूने तो अफरीदी बोला था। आप अभी तक गए नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। पर यू आर राइट, आई एम विद यू। थैंक यू। थैंक यू दिशा, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। और कोई मेरा दोस्त इस मुद्दे पे कोई विशेष टिप्पणी करना चाहता हो? जी भाई साहब। हेलो कपिल बाजी। हेलो सिद्धू बाजी। हेलो जी। हेलो सोनाक्षी एंड हेलो जॉन इब्राहिम। तू ऐसी कमीज पहन रखी है, मेरे को तो लग रहा है बल्ब ही लगा लेता। तो आपको सब पता है लड़कियों के बारे में? नहीं, सब तो नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, वो ट्राई कर लेते हैं। अच्छा प्लीज। एक्चुअली क्या है कि कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी में आगरा। आगरा से? कब छूटे? बहुत टाइम हो गया छूटे हुए। जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या होता है कपिल भाजी, करना तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन सबसे पहले दिमाग से सोचने की जरूरत है। अच्छा। क्या कि अपने को पता होना चाहिए कि किस लड़की को इम्प्रेस करना है। हाँ। तो उसके लिए क्या होता है, एक सिलेक्शन प्रोसेस है। हर एक खूबसूरत लड़की की दो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, एक जो उससे थोड़ी कम खूबसूरत है, एक उससे भी कम थोड़ी। रिसर्च अच्छी है बंदे की। तो पहली वाली जो टॉप लेवल है वो अपने को पता होता है अपने लिए है ही नहीं, तो उस पर ट्राई करना ही नहीं है, फोकस सीधे दूसरी पे, दूसरी ट्राई करनी है। तो उसके लिए क्या है, लड़की को डायरेक्टली इंप्रेस करने से अच्छा पहले उसकी फ्रेंड से बात करना शुरू करो, उसको बहन बना लो। हाँ। उसको बहन बना लो, उससे बात करना शुरू कर दो, उसके थ्रू आपको नंबर मिल जाएगा। क्या आइडिया लगाया चमकू। पर क्या बात है बाजी, बंदे की रिसर्च अच्छी है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि आपने नंबर ले लिया, बात करना शुरू कर दी। फिर लड़की को इंप्रेस करने के लिए सबसे अच्छा, सबसे जरूरी है उसकी केयर करना। केयर कैसे करना है? आपको सुबह उठते ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज आना चाहिए। और किस तरीके से केयर कर सकते हैं? उसकी जुएं निकालें? जुएं निकालोगे तो वो केयर नहीं बनेगी। जुएं निकालोगे तो लगेगा बस वो पीछे और कुछ नहीं है। केयर करोगे, पैम्पर करो उसकी, हर चीज़ों को, सब चीज़ देखो उसकी, और उसको गिफ्ट देना फिर बहुत जरूरी है। तो गिफ्ट में क्या चीज़ें देने चाहिए पंडित जी? गिफ्ट में उसको बहुत सारी ड्रेसेस, डिजाइनर ड्रेसेस देखे वो, तो वो सब देना है, चॉकलेट्स देनी है, फ्लावर्स देने हैं। और फिर लड़का अगर काम ना करता हो, बेकार हो, तो बेकार होगा तो वैसी लड़की उसके साथ नहीं पटेगी ना, करना ही पड़ेगा उसको। उसके लिए कुछ भी कहो, चमकू चालू है, मैं बता रहा हूँ तुझे। आपका नाम जमाना शत्रुबाजी बनना पड़ता है आजकल। क्या नाम क्या ब्रदर आपका? नितिन। नितिन गर्ग। कितनी गर्लफ्रेंड्स है आपकी? वो रिवील नहीं कर सकता यहाँ पे। क्यों? वरना लड़ाई हो जाएगी ना उधर। अच्छा, ये फुल पीएचडी करके आया है लड़की पटाने में। नितिन, हाथ में आपने धागा वागा पहना है, पूरी प्रेजेंटेशन आपकी धार्मिक है। बहनों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं से तो फोकस सेट हुआ है ना अपना। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। आगरा में एक ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया, दूसरा ये बनवाएगा। पर नितिन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आने के लिए। लव यू। और कोई मेरे दोस्त? जी क्या नाम है आपका? रोमियो। जीवन लोहार। जी जीवन जी, बोलिए। सर पहले तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सर, मैम के और सर के सामने में बात कर रहा हूँ। मुझे जरा बैठ जाओ। अगर तुम्हें बिलीव ही नहीं है, बिलीव पे तो दुनिया टिकी है। आपको क्या लगता है हमने डुप्लीकेट बिठाए हुए हैं? नहीं सर भाई ऐसा नहीं, जरा मुझे पीछे से कोई मार देगा तो पता चल जाएगा। मार भाई मार। मारो भाई, मारो भाई। अरे और मारो। सर और मैम से दोनों में से कोई एक। ये मारेंगे तो बचोगे या नहीं बचोगे वो नहीं पता, बट मैं मार सकती हूँ। इतना क्यों शौक है सोनाक्षी, लड़के पीटने का? क्यों लड़कों को पीटती हो? घर में बाप भाई नहीं है क्या? मतलब थोड़ा तर्स किया करो, रहम किया करो। घर पे सिर्फ खामोश सुनने मिलता है, अब क्या करूं? अच्छा, तो आपका क्या विचार है इस मामले में, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा विचार यह है कि सब लोग फ्लावर देके या चॉकलेट देके लड़की को इम्प्रेस करते जी, पर मेरा विचार यह है कि लड़की को अपने दुख के बारे में बता के उसको इम्प्रेस करना चाहिए। जो अपने लाइफ की प्रॉब्लम है उस सबको बता के, मतलब उसकी भी क्या मतलब? लड़की को मिलने जाओ, उसको कहो मेरे इधर फोड़ा हुआ है। क्या बोलेंगे? क्या कोई एग्जांपल तो दो, तीन चार। जैसे फैमिली में कोई लाइक नहीं करता है, आप मुझे लाइक करेंगे तो ज्यादा अच्छा। तो वो बोले कि फैमिली में नहीं तुम्हें कोई लाइक करता, तो मैं क्यों करूँ? बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, थैंक यू। नितिन, आप बड़ा कमाल का बोलते हो, मेरे पास आपके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट है। आइए। आप कहते हो ना कि आप लड़कियों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना पड़ता है। ये लो, मैं कहता हूँ जितने मर्जी एसएमएस करो, लेकिन रिचार्ज आप अपने पैसों से करवाना, ठीक है? थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा, ये आप लोग कहाँ से आए? आपकी टी शर्ट पे मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, हमारा शो का नाम लिखा हुआ है। वाह वाह, Sonakshi, sir, heart for you. Look, I'm seeing. She made a heart for me. Hurt no heart. I'll make a heart for you. Again, you hurt me. Yeah. She made a heart for me. कहाँ से हैं आप लोग? Sir, गुजरात से हैं. गुजरात में कहाँ से? बरोड़ा आनंद से. क्या करते हैं आप सब लोग? Sir, हम लोग अभी कॉलेज में हैं. MBA चल रहा है अभी हम लोग. MBA plus IT. आप सब एक ही कॉलेज में हैं? हाँ, एक ही क्लास में. तुमको MBA का असली मतलब पता है? मने बद्दू एवरेज। क्या आता है बाजी? MBA का असली मतलब है मैरिड बट अवेलेबल। आपको बड़ा पता है सिद्धू बाजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और कपिल शर्मा यार, तुमने बताया सिद्धू जी आ गए हैं। तू मेरी बीवी है, तुझे सब कुछ बताऊं मैं? सिद्धू जी तो हमेशा आते रहते हैं। इधर देखो, जॉन सोनाक्षी आए हैं। ओह वाह वाह, हेलो सोनाक्षी। आपका काम थोड़ी हम छोड़ने देते हैं आपको। क्या बात है। हेलो सर, कैसे हैं जॉन सर? मैं ठीक हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इनफैक्ट मैंने आपसे इंस्पायर होकर मैं लाइफ में आगे बढ़ा हूँ। कहाँ बढ़ा तू? इधर ही तो पढ़ा हुआ तू, कब से कहाँ आगे बढ़ा है? सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे इतनी इंस्पिरेशन मेरी लाइफ में आई है। जैसे आपने मद्रास कैफे खोला, मैंने दुबई टी स्टॉल खोल लिया। लेकिन आप मद्रास तक रहे, देखो मैं दुबई तक पहुंच गया हूँ। ये बात की तूने भी, सीधा लिप्स पे थप्पड़ खाने वाली। फ्रंट पे थप्पड़ तेरे। ये बात याद रखना, क्योंकि पुलिस में से पूछती है कि इतनी मार पड़ी क्यों पड़ी। शर्मा मेरी बात सुनो, पुलिस की धमकी मेरे को नहीं देने में बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं स्टार फादर बनने वाला हूँ। स्टार फादर? हाँ, मतलब तेरा बच्चा स्टार बनेगा। हाँ बिल्कुल, टैलेंट होना चाहिए उसके लिए। भाई इसको पता नहीं कि हम लोग खानदानी टैलेंटेड हैं। खानदानी क्या टैलेंट है तुम लोगों में? आपको पता है हमारे जो परदादा जी थे ना, वो चलते हुए कान खजूरे की टांगे गिन लेते थे। वो फ्री थे इसलिए गिनते थे, टाइम पास करते थे भाई। एक को पता है, एक कान खजूरा उठाया, उसकी दो टांगे कम गिन दी, कान खजूरा कान में गाली दे के गया। हाँ जी भाजी, बिल्कुल बिल्कुल, इनको पता है। ये दूसरे कान में बैठकर गालियाँ सुन रहे थे। कुछ भी। आपको पता है सर, मेरे जो दादाजी थे ना, वो बहुत बड़े शूटर थे, वो निशानेबाज बहुत तगड़े थे। वो 8 लड़कियाँ एक साथ जा रहे थे ना, जिसको आंख मारते थे उसी को जाकर लगती थी। निशानेबाज तो थे। ऐसे टूथब्रश लेके ना सुबह निकलते थे घर से, यूं यूं करके, जिधर कबूतर ने टूथपेस्ट किया वहीं से उठा के। वो आयुर्वेद में विश्वास रखते थे, और तब टूथपेस्ट में नमक वहीं से आता था। और बुढ़ापे तक बाजी उनके दांतों में चमक रही है। वो तो इतने ज्यादा उनके दांतों में रोशनी थी, मैं तो बचपन में पढ़ाई भी उनके दांतों की रोशनी के नीचे करता था। वो स्माइल करते थे, मैं अपना होमवर्क कर लेता था। वो तो जब दुनिया से गए तो हंसते हंसते गए, नाम रोशन करके गए हैं हमारा। तेरा कहता मेरा दादा नाम रोशन करके गया था। मैं बताऊँ कैसे? भाजी लाइटर चाट रहे थे, पेट में थी गैस, स्टंट हो गया। ऐसे इसका मुंह देखो, चंदा लेने नहीं आए होते लोग। मेरा मुंह बहुत अच्छा है, मेरी बात सुनिए। और बड़ा फायदा उठाता है अपने मुंह का, पता है? आसपास देखता ना, हम में से कोई नहीं है तो कोई गाड़ी निकल रही हो ना, ऐसे पहले ऐसे खड़ा होता है एटीट्यूड में, कोई नहीं देख रहा ना, कहता है जा यार, मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद आई। अभी देखना बाजी, इसका बेटा करेगा इसका नाम रोशन। खबरदार अगर उसको बेटा कहा तो। बेवकूफ आदमी ये कहते कि खबरदार मेरे बेटे को अगर कुछ कहा तो। नहीं नहीं, अब मेरा बेटा बेटा नहीं ना रहा, मैंने उसको बेटी बना दिया है। हैं? हाँ बिल्कुल, बेटा बेटी अपना, सॉरी अपना बेटी खजूरा। ये क्या किया? और लड़की क्यों बना दिया इसको? ये आप पूछ रहे हो? और आपके शो में लड़के लड़कियां मरकर बढ़िया बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। वाह कपिल शर्मा, देखना मेरी खजूर रानी कितने पैसे कमाएगी। क्यों बेटी? खजूर, तेरा पापा तो है ही लालची, तुझे ये सब नहीं करता, शर्म नहीं आती तुझे? अरे मैंने इसे तो कहा था कि आप ही बन जाओ। हाँ जी, पर लड़की बनने के बाद मुझसे भी ज्यादा गंदे लग रहे थे। ओ तू पति, अपनी इंट्रोडक्शन दो बेटी। खजूरी खजूरी सिद्धू जी जॉन जॉन सोनाक्षी सोनाक्षी खजूरी खजूरी हाय ये मजबूरी। गाना बड़ा बेटा यार। बेटा किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिसकी नकल कर रहे हो एक बार इससे पूछ तो लो। अब सिर्फ इतना बता दो कि लड़की का बिहेव कैसा होता है। वो तो खुद हीरोइन से हीरो बनती जा रही है, तुम्हें क्या बताएगी? अपनी मम्मी से जाके क्यों नहीं पूछता है? वो उससे क्या सीखेगा, वो तो मुझसे 1.5 गुना ज्यादा मर्द लगती है। मैं समझ गया कि मेरा इस समय वेलकम नहीं है। ओ बेटे नहीं नहीं है पूरा वेलकम है। लेकिन फिर भी मैं जाते जाते आप लोगों को एक वेलकम सॉन्ग पेश करना चाहूंगी। जाते जाते वेलकम सॉन्ग कौन पेश करता है? स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका, हम करते हैं वेलकम वेलकम, हम करते हैं वेलकम वेलकम, स्वागत है श्रीमान आपका। सिद्धू जी के लिए 2 लाइनें। रुकना इनको आता नहीं है, रुकना इनको आता नहीं है, ठोक है पहचाने आपका, ठोक है पहचाने आपका, स्वागत है श्रीमान आपका। बहुत बेबी इतना ज्यादा तुम्हें काम किसने बोला था करने के लिए? ज्यादा काम नहीं करते, आओ तुम थक गई होगी, तुम्हें बाहर रेस्ट करवाऊं। हम आते हैं। धूप में बिठाओ थोड़ा बेबी को। आओ बेबी। अब मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे शख्स से जो सोनाक्षी और जॉन के साथ फोर्स 2 में बड़ा ही अहम किरदार निभा रहे हैं, बड़े ही टैलेंटेड एक्टर हैं। प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर ताहिर राज भसीन। पाजी ताहिर बहुत अच्छे एक्टर हैं, फोर्स 2 में ये थोड़ा नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने इनको मर्दानी में देखा, इनका काम बहुत अप्रिशिएट हुआ। थैंक यू। ताहिर आप दिखने में इतने स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, शरीफ लगते हैं। थैंक यू। ऑडिशन में ऐसा क्या करते हैं कि आपको बदमाश वाले रोल मिल जाते हैं? मेरे एक एक्टिंग गुरु हुआ करते थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि भले ही दिमाग अगर विलन का हो, दिल हीरो का होना चाहिए, ऑडियंस आपको पसंद करेगी। तो मैं ये मन में रख के जो है अच्छी बात है। अच्छा मर्दानी फिल्म में ये रानी मुखर्जी से पिटते हैं काफ़ी, और इस फिल्म में सोनाक्षी एक्शन कर रही है। ये तो जो फिल्म में नहीं भी होता उनको पीट देती है। तो मतलब जो फिल्म में होंगे उनको आपको मज़ा आता है लड़कियों से मार खाने में? सर अभी कोई बता रहा था लड़कियों की बातें, मतलब उनको कैसे अप्रोच किया जाता है, तो मेरे ख्याल ये एक अप्रोच करने का भी एक नया तरीका है। मतलब पहले मार खा लो और फिर बोलो हाय मेरा नाम तो ये भी एक तरीका है। प्रैक्टिस करनी है? नहीं दीदी मैं क्यों मारती रहती लोगों को, मजा आता है। क्या खा के सोनाक्षी, क्या इसको एकदम ब्रेन चेंज हो गया, मुक्के मारने में मजा आता है, टांगे मारते क्या क्या करती रहती। अब मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा फोर्स और फोर्स 2 के रचयिता जो हैं, डायरेक्टर मिस्टर अभिनय देव एंड प्रोड्यूसर मिस्टर विपुल अमृतलाल शाह। आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ जगह मिलती बैठ जाए। मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे, क्योंकि अभी शूट चल रहा था, मेरा सर्जरी हो रहा था ना, मैं यहीं पे था। अच्छा तो यहाँ पे बैठ जाओ। पावर नैप लेने का दिल तो नहीं कर रहा आपका? नहीं नहीं मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। नो प्रॉब्लम। आप चाहे तो हम आपको ड्रिप भी लगा देते हैं। हाँ ये परफेक्ट है। ओके विपुल सर, आपने अक्षय सर के साथ काफी फिल्में बनाई ना, अक्षय पाजी के साथ? जी जी। आपका सैलरी सिस्टम पे आपका चल रहा है? अक्षय जी मुझे सैलरी देते हैं। अक्षय जी के यहाँ और कुछ नहीं हो सकता, सैलरी मैं लेता हूँ। बट आई थिंक अब हमारी और जॉन की भी ये दूसरी फिल्म है जी, और मुझे लगता है कि द वे वी आर गोइंग फोर्स 5-6 तक बनाने का इरादा तो पक्का है। सो लेट्स सी हाउ वी गो। अच्छा अभिनय सर जो है, इन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। आपकी फैमिली में अभिनय सर तकरीबन सब लोग एक्टर्स हैं। बिल्कुल। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे डायरेक्शन में जाना है? आपके मन, आपका नाम भी एक्टर्स जैसा है, अभिनय देव। हाँ एक्चुअली वो गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई का नाम अजिंक्य है और मेरा नाम अभिनय रखा गया इस होप में कि शायद ये जाके आगे कुछ अभिनय करे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और अच्छा है ना, एज ए डायरेक्टर आई गेट टू डायरेक्ट द एक्टर्स रादर देन बी डायरेक्टेड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी फिल्म का ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सर, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।